अपने आत्माओं, जैसे हम किस दो नंबर का काम करके धनी बनना चाहते हैं और आपके भाग में नहीं है, ये तो फ्लड के सा पानी है। जैसे कोई नहर टूट जा, फ्लड होगी, पता नहीं कितना ही पानी थड़ियाँ बचड़ जा और फिर वो रुकते ही सारा झील में आ जाता है। तो ऐसे जो आप जीने, दो नंबर का काम करके चोरी डाके मार के, यदि पैसा इकट्ठा कर भी लिया वो रहेगा नहीं, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पाप न्योके नो रह जाएंगे, आपके सिर पर रखे जाएंगे, वो भोगने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, इनको बड़ा ध्यान से सुने और ज्ञान से डर बनाकर, डर से भक्ति बनेगी, बचाव भी बनता है। एक चोर था, एक भगत किसान था, उसका एक ही बैल था, गरीब आदमी था, उसने वो चुरा लिया। अब चोर ने तो जैसे पहले ऐसा सस्ते होया करते थे बैल, कोई 400 रुपये का, कोई 500 रुपये का आता था, और चोरी का धन तो चाहे कोई 100 रुपये में ले लिया, उसको बेच बेच के पी के गुटी शूटी ला के और फुर कर दिया। एक साल के बाद वो फिर चोरी के लिए उसी क्षेत्र, क्योंकि ये दिशा बांट ले हैं कि इब का इधर करूँगा, अगले साल इधर चोरी कर लेंगे, उस साल इधर, ताकि भूल सी पड़ जावे। इतने एक वर्ष के बाद वो फिर उसी दिशा में गया, वहाँ देखा झाँक कर छोटे छोटी दीवार थी उस किसान की, कच्ची आंगन में बैल बंधा करते, उसने देखा कि उसी का देख लूँ और पा जाता कोई, उसको देखा दो बैल बंधे हुए बड़े तगड़े तगड़े, और किसान वहाँ आंगन में साथ ही सो रहा था। वो चोर ने दोनों चुरा दिए और ले गया, दोनों बेच कर अपने खा पी करे फुर कर दिए। अब एक साल दो साल के बाद वो फिर उधर जाता है और देखता है झांक के उस ओटड़ों के ऊपर के दीवार के ऊपर के, क्या देखा, उसके चार बैल ऐसे जमा खागड़ के से, यानी सांड जैसे चार बैल बंध रहे उस किसान के, भगत के। अब वो चोर ने सोचा, भाई देखियो कितना गरीब था, एक बैल था इसके पास, आज दीवार भी पक्की कर रखी है इसने, और मैं एक चोरा ले गया इसके दो बंधे पाए, और दो भी ले गया इसके चार बंध रहे हैं, ये कौन सा जंतर है इसके पास, कौन सा मंत्र है इस। उसने किसान को उठाया, अक भाई उठ एक बार सोने वाले, और किसान बोला भाई कौन है तू, वो बोला मैं चोर हूँ। अब किसान ने सोचा चोर के अपने नौकया करे, कोई मजाक करे, निकम्मा भाई तू जा काम अपना कर ले, मुझे सोने दे। नो बोला रे मैं वो काम ना होता, मैं जिस काम करा करूँ, आज मेरे से यह चोरी नहीं हो रही, मैं चोर हूँ तू सच करवा। वो किसान उठ लिया, भी किसान बेकूफ कट आ रहा है, कभी शराब पी रहा है, अपने आप में चोर कोई चोर बताता है। तो उसने बैठा, भी क्या बात है, बैठा हो गया किसान, उठ गया। उसने बताया भाई मैं सचमुच नीच आत्मा हूँ, चोर हूँ, और मैंने तेरा पहला बैल भी मैंने खोलिया, और भाई चोरा के ले गया मैं, तो तेरा दो बंदे पाए मैंने दूसरी बार आया, तो वो दो भी मैंने चुरा लिए तेरे, मेरा तो नाश हो गया, आज फिर आया तो तेरे चार बैल हैं पहले से भी तगड़े। कहने लगा भाई मेरा तो एक पैसा नहीं, घर में बालक बीमार, सारी बिरन मैटी हो रही है मेरी, दुर्गति होगी, ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास, तेरे ठाठ हो गए। तो किसान बोला रन कमे, जब चोरी करें पेट भरे, चोरी करें सेठ बने, तो कोई ना काम करे भाई, ये तो करते करते पूरे ना पटते इंसानों के, और तू बकवाद करे, तेन तो कर्म बिगाड़ दिए नालायक। तो बोला भाई मुझे रास्ता बताई, यो के कहानी है। कहने लगा भाई मैं भी निर्धन आदमी हूँ, निर्धन आदमी था, मेरे भाग में कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ऐसे एक संत से उपदेश ले रखा है, मेरे परम गुरु जी हैं, उनकी शरण में आने के बाद मेरे भाई पोबारा होते जा रहे हैं, और बेटा भाई तू भी भक्ति कर ले। अब वो चोर ने तो दुख निवारण करवाना था, उन्होंने बोला जैसे आप कहोगे मैं नहीं करूँगा, मुझे तो गुरु जी के पास ले गए, उन्हें सारी बता दी, जी ऐसे ऐसे मैं चोर था, लेकिन आज के बाद नहीं हूँ,
और मैं चोरी नहीं करूंगा। संत जी बोले बेटा चोरी क्या, और भी पाप नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तमाखू ये छूना नहीं है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, चोरी जारी नहीं करे, सारे काम कर और भक्ति कर, ये सब त्याग कह। तो उसने मन नाम उपदेश ले लिया। किसान बोला एक बैल और ले, वो भी किसान ही था, वो भी बकवादा बढ़ गया था, कहने लगा तेरा जमीन है एक किस एक बैल और ले जा और जाओ खेती कर ले। तो पहले एक दूसरे से मिलकर दो इसी कमजोर सती थी दो दो इकट्ठे ही काम चला लिया करते थे, एक किसी का बैल एक किसी का। तो परमात्मा की कृपा हुई, सत्संग में जाने लग्या, विचार बदल गए, फिर करके अपनी मेहनत करके वो रोटी रोजी करने लगा। तो उस परमात्मा की कृपा हुई, उसके भी खूब बरकत होने लगी। तो उसने क्या किया कि तीन बैलों के पैसे जो चुरा के ले गया था और चौथे के, चारों बैलों के पैसे लेकर वो व्यक्ति चोर किसान के पास आया जिसके बैल चुराए थे। कहने लगा भाई ये पैसे लेते रहे चारों बैल ला के। वो बोला भाई मैं नहीं लेता, मेरे तो जा चुके थे, मेरे तो भगवान ने दे रखा, ठाठ कर दिए, इन पैसों को चल तू परमात्मा गुरुजी के चरणों में चढ़ा दे, तेरा पुण्य हो जाएगा, ऐसा ही किया गया। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, ये कथा नहीं ये सत समझ लेना, परमात्मा देगा जो कहकर बड़े स्याणे पहले भी वैसे भी कहते थे कि भाई भगवान देगा जो बरकत आकर है, इन चोरी ठगी से आज तक कोई सेठ होया नहीं देखा, ये तो कर्म बिगाड़े हैं अपने। तो कहने का भाव यह है पाप रह जाते हैं, वो धन जो दो नंबर से किया वो नहीं रहता।